पहले गाजा और अब लेबनान पर इसराइल के भीषण हमलों से विश्व पटल पर नेतन्याहू अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। नेटो मेंबर तुर्की ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में इसराइल को आड़े हाथ लिया। तुर्की के राष्ट्रपति ने गाजा में इसराइल के सैन्य अभियान की कड़े शब्दों में निंदा की। एर्दोगन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बेंजामिन नेतन्याहू के हत्या नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। इतना ही नहीं, एर्दोगन ने इसराइली प्रधानमंत्री की तुलना एडोल्फ हिटलर से कर दी। न्यूयॉर्क की 69वीं यूएन की महासभा को संबोधित करते हुए एर्दोगन ने गाजा में इजरायली सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। फिलिस्तीनी इलाके को एकाग्रता शिविर तक करार दिया। एर्दोगन ने गाजा में कथित अपराधों के लिए इजरायल को जवाबदेह ठहराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दक्षिण अफ्रीका की ओर से दायर मुकदमे के लिए अपना समर्थन दोहराया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि तुर्की के लोग इजरायल के लोगों के प्रति कोई दुश्मनी नहीं रखते हैं। हमारी समस्या इजरायल सरकार की नरसंहार नीतियों से है। Bir lokma kuru ekmek, bir yudum su, bir tas çorba bulamadığı için bugüne kadar yüzlerce Gazze'li çocuk öldü, halen de ölüyor. Gazze'de sadece çocuklar değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler sistemi ölüyor. Hakikat ölüyor. Batı'nın savunduğunu iddia ettiği değerler ölüyor. İsrail'in son günlerde saldırılarını artırdığı Lübnan halkının ve hükümetinin de yanındayız. Bundan 70 sene önce nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır. Buradan bir kez daha canları pahasına vatanlarını savunan Filistinli kardeşlerimi yürekten selamlıyorum. İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığının tek nedeni bir avuç ülkenin İsrail'e olan kayıtsız şartsız desteğidir. Erdoğan ne Gaza में नरसंहार को रोकने में विफलता के लिए संयुक्त राष्ट्र की भी आलोचना की। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि गाजा में संघर्ष जारी रहने के लिए यूएन का सिस्टम और पश्चिमी दुनिया की वैल्यू खत्म हो रही है। उन्होंने इसराइल को रोकने के लिए मानवता के गठबंधन का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में एर्दोगन ने गाजा में सैन्य अभियान के लिए इलाके की कड़ी आलोचना की और इसराइल को समर्थन देने के लिए पश्चिमी देशों की भी आलोचना की। गाजा में बच्चों के साथ साथ यूएन का सिस्टम भी मर रहा है, सच्चाई मर रही है। पश्चिम जिन मूल्यों की रक्षा करने का दावा करता है वे मर रहे हैं। मानवता की एक बहादुर दुनिया में रहने की उम्मीदें एक एक करके मर रही हैं। क्या गाजा और कब्जे वाले पश्चिमी तट पर रहने वाले लोग इंसान नहीं है? क्या फिलिस्तीन में बच्चों के कोई अधिकार नहीं है? एर्दोगन ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वकील करीम खान से इजरायली नेताओं के खिलाफ युद्ध अपराध के आरोपों को जारी रखने का आग्रह किया। इजरायल विरोधी रहे एर्दोगन ने इजरायल पर नए नरसंहार जोड़ने की योजना बनाने का आरोप लगाया। तुर्की का दावा है कि उनमें से इजरायली युद्ध अपराधों के सबूत हैं। तुर्की ने इजरायल के साथ सभी व्यापार रोक दिए और विश्व न्यायालय में इजरायल के खिलाफ नरसंहार के मामले में शामिल होने का आवेदन किया।